हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीके मैथ्स एकेडमी। पिछले लेक्चर वन में हमने देखा था कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने देखा था कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो आवश्यक चीज, जो कुछ एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में वैल्यू चाहिए, वो हमने देखा था। यानी टेबल हमने बता दिया था, जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 30, 45, 60 और 90 का क्या क्या वैल्यू होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के सारे वैल्यू हमने बता दिया था, उसका आज हम इसमें यूज करेंगे। अब हम मेन पॉइंट पे आ जाते हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। तो यहाँ डिफिनेशन हमने कुछ पहले से ही लिख दी है ताकि समय की बचत हो। देखिए, यदि थीटा कोई कोण हो जिसका साइन निकाले तो एक्स के बराबर आ जाए, अर्थात साइन थीटा अगर हम देखें, ये अगर एक्स के बराबर हो जाए तब हम लोग इस थीटा को, मतलब जो एंगल है उस थीटा को हम लोग साइन इनवर्स एक्स कहते हैं। थीटा को क्या कहते हैं? साइन इनवर्स एक्स कहते हैं। क्या देखा हमने कि अगर थीटा कोई एंगल हो जिसका साइन एक्स के बराबर हो तब हम लोग थीटा को साइन इनवर्स एक्स कहते हैं। ये आपका परिभाषा है। यानी इनवर्स फंक्शन जो है सो यह एक एंगल का अर्थ देता है। हमने नीचे लिख भी दिया कि साइन इनवर्स एक्स से उस कोण का अर्थ निकलता है जिसका साइन एक्स के बराबर होता है। मतलब जब कभी भी आपको साइन इनवर्स होगा या कॉस इनवर्स होगा या टेन इनवर्स एक्स, ये सब हमेशा कोई ना कोई एंगल को सूचित करता है। तो यहाँ हमें देखना ये है, कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं। जैसे आपको पता होगा उस टेबल में हमने बताया था कि साइन 30 डिग्री, 30 को हम लोग पाई बाय 6 लिखते हैं, कुछ इधर लिख देते हैं, 0 को 0 लिखेंगे। अगर 30 डिग्री हो तो इसको रेडियन में हम लोग पाई बाय 6 लिखते हैं। अगर 45 डिग्री हो तो इसको हम लोग रेडियन में पाई बाय 4 लिखते हैं। 60 डिग्री हो तो रेडियन में हम लोग पाई बाय 3 लिखते हैं। और 90 डिग्री हो तो इसको हम लोग पाई बाई 2 लिखते हैं। उसी तरह 120 डिग्री हो तो 60 का दुगना है, मतलब 2 पाई बाई 3 होता है। पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री है। इधर आपका डिग्री में, इधर वाला रेडियन में है। तो यहाँ इनवर्स में हम लोग रेडियन में यूज करते हैं, डिग्री में नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रेडियन में लिखेंगे। तो यानी पाई बाई 6 क्या है? 30 डिग्री है। मतलब साइन 30 का मान टेबल में आपको पिछले लेक्चर में बताया था, 1/2 देखा था। यानी साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। तो यही से जब साइन, तो यहां से आपको क्या मिल गया, साइन इधर आया तो साइन इनवर्स 1/2, तो इधर बच गया आपको पाई बाई 6। मतलब साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या पूछा गया? यहाँ साइन इधर आया, साइन इनवर्स 1/2, इधर बच गया पाई बाई 6। तो पाई बाई 6 मतलब साइन इनवर्स 1/2 का आंसर हो गया आपका पाई बाई 6 हो गया। तो हम क्या देखते हैं कि साइन इनवर्स या इस जगह कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इनवर्स रहे तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये देखेंगे जैसे यहाँ साइन है तो देखेंगे, सोचेंगे माइंड में कि साइन कितने डिग्री का, मतलब किस कोण पर वैल्यू 1/2 होता है, साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। तो 30 डिग्री, वही 30 डिग्री आपका आंसर हो गया। ये ध्यान रहे, डिग्री में ना लिखे इसको, रेडियन में लिखेंगे। इधर हमने कुछ लिख दिया है। उसी तरह से कुछ दूसरा एग्जाम्पल सोचते हैं, इसी तरह से हम डायरेक्ट अब इस पे आ जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, चलिए साइन पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। पाई बाई 3 मतलब 60, यानी साइन 60 का मान √3/2। साइन इधर आया, क्या हो गया? साइन इनवर्स √3/2, इधर बच गया आपको क्या? पाई बाई 3। मतलब साइन इनवर्स √3/2 है तो उसका आंसर आ गया आपको पाई बाई 3 आ गया। फिर अब डायरेक्ट इनवर्स में कुछ देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए साइन इनवर्स 1/√2 कितना होता है, तो आप सोचिए साइन कितने डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन कितने डिग्री का मान 1/√2 होता है। आपको याद होगा टेबल, अगर पिछले लेक्चर अगर कोई याद नहीं देखे हैं तो लेक्चर 1 इसका जरूर देखें ताकि आपका टेबल समझ में आ जाए। तो साइन कितने डिग्री का मान 1/√2,
30 डिग्री का होता है। 30 को हम लोग क्या लिखते हैं, पाई बाई सिक्स, मतलब साइन पाई बाई सिक्स का वैल्यू 1/√2 होता है, मतलब साइन इनवर्स 1/√2 का आंसर कितना आ गया, पाई बाई सिक्स आ गया। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, ये तो हमने साइन का देखा, इसी तरह से कॉस इनवर्स है, एक्स टेन इनवर्स है, एक्स कोट इनवर्स है, एक्स सबका इसी तरह से हम डिफाइन करते चले जाएंगे। बस कुछ नहीं करना है, अगर कॉस इनवर्स एक्स देखना है तो वही बात, यदि थीटा कोई कोण हो जिसका कोसाइन, कॉस का पूरा नाम साइन का पूरा नाम साइन होता है, कॉस का पूरा नाम कोसाइन होता है, तो जिसका कोसाइन एक्स के बराबर हो तो थीटा को हम लोग कॉस इनवर्स एक्स कहते हैं और इसे कॉस इनवर्स एक्स पढ़ा जाता है। सेम इसी तरह से टैन को हम कर लेंगे, यानी टैन को पूरा नाम टेंजेंट होता है, हम यहाँ लिख देते हैं, जिसको आप लोग साइन कहते हैं पूरा नाम होता है साइन, दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा टेंजेंट, चौथा कोटेंजेंट, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद कोसेकेंड, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं और इस किसी न किसी एंगल का होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है सो एंगल का होता है, मतलब इसका आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू आता है और इनवर्स का आंसर एंगल आता है। बस दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पर देखिए जैसे साइन इसके साथ क्या लगा, एंगल लगा, तो साइन थीटा, थीटा क्या होता है, एंगल होता है, साइन के साथ थीटा लगता है और उसका आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू आता है। ठीक उसी तरह इनवर्स में, इनवर्स के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू लगता है और उसका आंसर एंगल में आता है। इस बात को गौर से हमें समझना है, साइन का जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है साइन कोस टैन कोट से कोसेक, उसका आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू में आएंगे, लेकिन इनवर्स का जो होगा साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, उस सब का आंसर कोई ना कोई एंगल आएगा। तो कन्फ्यूज नहीं करना, अगर बाय द वे अब आपसे कोई पूछ दे, जैसे देख लीजिए अगर आपसे पूछ दे कि साइन इनवर्स पाई बाय सिक्स का वैल्यू क्या होता है, तो आपके ये गलत जवाब, क्योंकि यहाँ पाई बाय सिक्स क्या है, एंगल है, रेडियन में है, और साइन इनवर्स के साथ यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, एंगल नहीं चाहिए। हाँ ये अगर पाई बाय सिक्स तो पाई का मान अगर न्यूमेरिकल बना देते हैं तब इसका मान हो सकता है, ठीक है, दशमलव और में आएंगे, लेकिन अगर ये एंगल है पाई बाय सिक्स, अगर यहाँ पर आपको एंगल है तो नॉट डिफाइंड, ये परिभाषित नहीं है, याद रहे साइन इनवर्स के साथ लगेगा तो क्या लगेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू लगेगा तभी उसका आंसर मिल पाएगा, अगर एंगल लगता है तो उसका आंसर नहीं मिलेगा, इनवर्स फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है वहां पे। ठीक उसी तरह से अगर हम साइन के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू लगा दे, ठीक है, साइन के साथ मान लेते हैं अब 30 डिग्री 45 डिग्री न दे करके आपको सोझे हम लिख दे 40 या 45 लिख दे, यहाँ डिग्री नहीं दिए ध्यान रहे, यानी ये आपका क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नॉट डिफाइंड होंगे। तो क्या देखा हमने, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ एंगल चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, एंगल है तो जैसे यहां पर एंगल था तो इस सबका कुछ ना कुछ आंसर निकला, लेकिन अगर न्यूमेरिकल वैल्यू डाल देंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ तो वह नॉट डिफाइंड होता है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो 6 होते हैं साइन कॉस टैन कॉट से कॉसे, वो सब किसी न किसी एंगल पर परिभाषित होते हैं। ठीक उसी तरह से इनवर्स, इनवर्स किसी न किसी न्यूमेरिकल वैल्यू पर परिभाषित होते हैं, एंगल पर परिभाषित नहीं होते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखा हमने साइन इनवर्स के साथ अगर कोई एंगल डाल दिया जाए, हाँ आपको अगर ये कह दे कि पाई बाई सिक्स आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है तो कुछ ना कुछ आंसर इसका आएगा, लेकिन अगर ये एंगल में है तब ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स फंक्शन के साथ एंगल नहीं लगता है, क्या लगता है, न्यूमेरिकल वैल्यू लगता है। तो उम्मीद करते हैं आपको साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में दोनों के साथ कौन सा लगेगा जिस पर वो फंक्शन जो है सो परिभाषित हो पाएगा, उसका डोमेन क्या होगा, यानी साइन इनवर्स एक्स का एक्स इनवर्स का जो यहाँ पर ये डोमेन होता है और इधर जो वैल्यू आते हैं वो रेंज में आते हैं, यहाँ वैल्यू क्या आते हैं, डोमेन में, और इधर का जो आंसर आता है उसको हम लोग रेंज में कहते हैं। तो इस तरह से आपका रहा, यानी याद रखना है कि साइन इनवर्स के साथ कभी भी आपको कोई अगर एंगल दे करके पूछे इसका वैल्यू क्या है तो कहिए गलत सवाल है।
ठीक उसी तरह से अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन कॉस के साथ अगर न्यूमेरिकल वैल्यू देकर के पूछे इसका वैल्यू क्या होगा तो गलत जवाब है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ एंगल चाहिए और इनवर्स के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। तो ये रहा आपका कुछ डिफरेंस। अब हम आपको और उदाहरण के साथ समझाते हैं। अब आपसे अगर पूछा जाए कॉस इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू है, परिभाषित है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कॉस इनवर्स के साथ यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, एंगल नहीं चाहिए। तो क्या देखा हमने कि कॉस, सोचिए कॉस कितने डिग्री का मान 1/2, टेबल में याद कीजिए कॉस कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। चलिए जिनको याद है बोलिए, तो उस तरह से चलिए, नहीं कोई बात नहीं, आप एक बार टेबल को जरूर फिर से रिवाइज कर लें। कॉस इनवर्स 1/2 है, मतलब आपको सोचना है कॉस कितने डिग्री का मान 1/2 है, 60 का है, और 60 को हम लोग रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई बाई 3 लिखते हैं। ये आपका सब रेडियन है, याद रहे सब रेडियन में है। तो 60 का होता है, तो 60 को क्या लिखते हैं हम लोग, पाई बाई 3, मतलब आपका आंसर पाई बाई 3 आ गया। देखिए बहुत ही आसान है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, बस इसी बात को समझते जाइए, और 12th में ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो बहुत ही सवाल इससे पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बढ़िया से तैयारी करना है। उसी तरह से अगर आपको पूछ दिया जाए tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होगा, आप सोचिए tan कितने डिग्री का मान 1 होता है, सोचिए। चलिए नहीं पता हम बता देते हैं, tan इनवर्स 1 है, मतलब tan कितने डिग्री का मान 1 है, तो 45 डिग्री होता है, तो tan 45 का मान 1 होता है, 45 को हम लोग क्या लिखते हैं, पाई बाई 4, मतलब आपका आंसर पाई बाई 4 आ गया। अगर आपसे पूछा जाए tan इनवर्स रूट 3 क्या होगा, सोचिए tan कितने डिग्री का मान रूट 3, tan कितने डिग्री का मान रूट 3, 60 डिग्री, यानी 60, 60 को क्या लिखते हैं, पाई बाई 3, मतलब आपका पाई बाई 3 हो गया आंसर। अगर आपसे पूछा जाए cot इनवर्स रूट 3 क्या होते हैं, सोचिए cot कितने डिग्री का मान रूट 3, cot कितने डिग्री का मान रूट 3, तो 30 डिग्री, 30 को हम लोग लिखते हैं पाई बाई 6, मतलब पाई बाई 6 हो गया आंसर आपका। देखिए बहुत ही आसान है, आपको बहुत सारे अब उम्मीद है जो आपका जवाब खुद आपसे हो रहा होगा। sec इनवर्स 2 पूछा जाए तो आप सोचिए sec कै डिग्री का मान 2 होता है, sec कितने डिग्री का मान 2 होता है। अगर नहीं पता चल रहा हो तो क्या कीजिए, इस sec किसका उल्टा है, cos इनवर्स का होता है रेसिप्रोकल, सॉरी sec थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जाइए तो इसको 1/2 कर लीजिए, आप ये cos में बदल जाएगा, यानी 1/2, cos कितने डिग्री का मान 1/2, 60 डिग्री का, cos कितने डिग्री का मान 1/2, 60 डिग्री का, यानी या आपको टेबल अगर पिछले दिन वाला लेक्चर है तो उसमें देख लीजिए जे sec कितने डिग्री का मान 2 है, आपका आंसर मिलेगा 60, 60 को क्या लिखते हैं, पाई बाई 3, मतलब आपका आंसर हो गया पाई बाई 3। अगर आपसे पूछा जाए sin इनवर्स 1, बोलिए sin कितने डिग्री का मान 1 होता है, 90 का, 90 को क्या लिखते हैं, पाई बाई 2, यानी आंसर आपका पाई बाई 2 हो गया। बोलिए तो cos इनवर्स 0, cos कै डिग्री का मान 0, यहां ध्यान रहे 0 यहां एंगल में नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, अगर एंगल होता तो हम डिग्री चाहे कुछ लिखते। cos इनवर्स 0 मतलब cos कितने डिग्री का मान 0 होता है, याद कीजिए 90 का, 90 को क्या लिखते हैं हम लोग, पाई बाई 2। उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए sin इनवर्स 0 ये कितना होगा, यानी sin कितने डिग्री का मान 0, 0 का, sin 0 बराबर 0, मत
तो जीरो, जीरो को डिग्री में लिखिए चाहे रेडियन में भी लिखिएगा तो जीरो ही होगा, यानी साइन इनवर्स जीरो क्या आ गया, जीरो आ गया। तो उम्मीद करते हैं इस तरह से आप इनवर्स फंक्शन का अब आसानी से वैल्यू बता सकते हैं। ऐसे हम दो चार और करवा देते हैं आपसे, अगर पूछा जाए कोसेक इनवर्स दो बटे रूट तीन, बोलिए कोसेक कितने डिग्री का मान दो बटे रूट तीन, कोसेक कितने डिग्री का मान दो बटे रूट तीन होते हैं। तो देखिए 60 डिग्री, ओके तो 60 डिग्री, 60 को क्या लिखते हैं पाई बाई थ्री, मतलब आपका आंसर पाई बाई थ्री हो गया। ठीक है, इस तरह से हम अब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इनवर्स अगर में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो सिंपली इस तरह से हम बना पाएंगे। हम आपको कुछ होमवर्क के लिए दे देते हैं, आप इसको गौर से देखिएगा, कुछ वैल्यू दे दे रहे हैं आपको बनाना है। टेन इनवर्स इन्फिनिटी क्या होंगे, दूसरा सवाल कॉट इनवर्स इन्फिनिटी, तीसरा सवाल सेक इनवर्स रूट टू, चौथा सवाल कोसेक इनवर्स टू, और पांचवा सवाल कॉट इनवर्स वन। ये पांचों सवाल को आप प्रयास कीजिएगा, ठीक है, बनाने का कोशिश करना है। इसी तरह से आपको कुछ नहीं देखना है, जो टेन कितने डिग्री का मान इन्फिनिटी होता है, कॉट कितने डिग्री का मान इन्फिनिटी होता है, वो सब वैल्यू डिग्री में रेडियन में लिख दीजिएगा। सेक कितने डिग्री का मान रूट टू होता है, कोसेक कितने डिग्री का मान दो होता है, कॉट कितने डिग्री का मान वन होता है। तो ये आपका आज का होमवर्क रहा, इतना को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट डे में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के जो 6 होते हैं, ठीक है, टोटल आपको नोट में लिख लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स को ये 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कहलाते हैं। इतना को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, या पिछले लेक्चर में बता दिए थे जो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन भी आप इसको कह सकते हैं, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी कह सकते हैं, आप आपकी मर्जी। तो चलिए कि 6 को क्या कहते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कहते हैं। तो आज आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शन के परिभाषा और उसी परिभाषा के आधार पर हमने कुछ एग्जाम्पल देखे हैं, और इसमें से भी अधिकतर एक आध दो ऑब्जेक्टिव तो एग्जाम में आ ही जाते हैं, इसलिए बढ़िया से इसको प्रैक्टिस कर लेना है इस वीडियो को। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस 6 जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है इसके डोमेन और रेंज को जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।